In the 75th year of our independence, Rashtrapati Bhavan stands tall as a reminder of our grand heritage. Be it the Darbar Hall, Ashoka Hall, Cabinet Room, or Library, NDTV brings you exclusive, never-seen-before aspects of Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu, on her morning walk at 6 a.m. in Rashtrapati Bhavan's Amrit Udyan. Working in her study during the day. Happy birthday, President Murmu. भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक, हमारे देश के संविधान की संरक्षक, देश के सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च सेनानायक, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है। सादगी, परिश्रमी, निष्ठावान, विचारक, सहानुभूतिपूर्ण, अनुशासन प्रिय, ये ऐसे शब्द हैं जो उनके व्यक्तित्व का बोध हमें कराते हैं। हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति ने अनेकों चुनौतियों को मात देते हुए बुलंदियों को छुआ है। उड़ीसा के गांव उपरबेदा से देश की राजधानी दिल्ली में 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन तक का सफर प्रेरणापूर्ण रहा है। द्रौपदी मुर्मू वॉज द फर्स्ट ट्राइबल गर्ल फ्रॉम अ विलेज टू स्टडी बियॉन्ड क्लास 5। Born on the 20th of June 1958 to Uparbeda Singho and Biranchi Narayan Tudu, she was named Putti. Following a tribal tradition, she got her grandmother's name as her legacy. But her school teachers changed her name to Draupadi Murmu. So keen was she to study that once during floods, she swam across turbulent waters to get to school. Her teachers say she was always the first to reach school and the last to leave. जब हम छोटे थे तो उनका ये था कि वो she loves to sing. तो बहुत सारी हिंदी फिल्मों के गाने जो आज हम सुन रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि वो हिंदी फिल्मों के गाने हैं. मुझे लगता है ये कोई गाने हैं जो मेरी माँ गुनगुनाती हैं. तो हमको बहुत सारे, फिर बाद में जब टेलीविज़न आया और मैंने वही गाने टीवी पे देखा, फिर वहाँ पे जो जो नरेटर है वो बताते हैं गाना गायक है इनके लता मंगेशकर जी ऐसा कुछ, और मैं हमेशा सोचती हूँ तो नहीं, ये सारे गाने तो मेरी माँ के हैं. आई थिंक मैं स्टैंडर्ड 3 में थी जब वो उन्होंने मेरी स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया था. तो देट वॉज़ लाइक यंगस्ट मेमोरी. आई थिंक मैं शायद 9-10 साल की रही होंगी. तो इवन उससे पहले भी जब घर पे थी तो क्योंकि दोनों भाई और पापा दोनों सब लोग स्कूल जाते थे, तो वो बहुत पहले से ही बहुत जल्दी उठ जाती थी. बिफोर हम लोग उठने से पहले वो उठ जाती थी और हम सबका खाना से लेके घर का सारा काम करके मतलब 10 बजे तक सबको घर स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना. पहले तो ट्यूशन्स ऐसा नहीं होता था, तो हम तीनों भाई बहनों को वही पढ़ाती थी. वो क्योंकि मेरा मॉर्निंग स्कूल होता था तो बाई आफ्टरनून तक वो आकर मुझे पढ़ाती थी, और जैसे मेरे भाई घर आ गए तो उनको पढ़ाती थी. और मेरे फादर उस वक्त जॉब कर रहे थे तो फिर हम लोग का रूटीन रहता था. और उस वक्त तो कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं था, तो तीन बच्चे और सब कुछ वो खुद ही मैनेज करती थी. राष्ट्रपति भवन का ये कैबिनेट रूम है. कहा जाता है आज़ादी से पहले इसी टेबल पर, इसी कमरे में विभाजन का फैसला लिया गया था, लेकिन हमारे आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट की बैठक भी इसी कमरे में हुई थी. और ये कमरा बेशकीमती किताबों से भरा हुआ है और जो इतिहास है यहाँ पन्नों से छलकता है. हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1997 में
बीजेपी में शामिल हुई। पति श्यामचरण के कहने पर राजनीति से जुड़ी थी वो, रंगराजपुर की वो पार्षद चुनी गई। ज़मीन पे उनके काम को बहुत सराहा गया, खुद साफ सफाई का काम खड़े होकर उसका निरीक्षण करती थी। सन 2000 में वो विधायक चुनी गई रंगराजपुर से। बीजेपी बीजेडी की सरकार आई, मंत्री पद मिला, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनी, लेकिन जो पैसे की अनियमितता की खबरें आईं तो टोल नाके पर खुद घंटों खड़े रहकर वो निरीक्षण करती। इसके बाद जो चुनाव हुए उस पर उनको शिकस्त मिली। फिर 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल चुनी गई, पहली महिला राज्यपाल उस राज्य की, और फिर 2022 में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति मनोनीत हुई। राष्ट्रपति अंगरक्षक, सलामी देंगे, राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य तक। मान जब उड़ीसा गवर्नमेंट में मंत्री थे, मैं निजी सचिव था और 2000 से माम के साथ मेरा संबंध है, संपर्क है। आई हैव सीन एवरीथिंग। ये जो पहली बार उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हुआ, ये मैडम ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाया, और आपको ज्ञात हुआ कि ट्रांसपोर्ट एक रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। जो रेवेन्यू पहले था माम का पहले, उसका डबल माम ने किया रेवेन्यू अर्निंग में। ये तो हर बार देखते थे कैसे हमारा रेवेन्यू में वृद्धि होगा, ये तो गेट फेट चल जाते थे वॉच करने के लिए कैसे पिलफरेज नहीं होगा और रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी को, ये इंश्योर करते थे। और मुझे जो मालूम है कि ये सैनिटेशन दायित्व में थे, ये स्वयं गाड़ी चलाकर NAC का हर एरिया को जाते थे और सैनिटेशन कैसे होगा, कैसे क्लीनलीनेस डेवलप किया जाएगा, ये सबको समझते थे। ये सब समय, हर समय ये जोड़कर रहते थे लोगों के साथ। सुनामी में जो सब क्षय क्षति हुआ था उसका रेस्टोरेशन काम माम ने किए थे। It's 6 AM. President Draupadi Murmu sets out for her morning walk in Rashtrapati Bhavan's Amrit Udyan. Her day begins at the crack of dawn with a 2-hour-long meditation session. Then, it's time for a brisk walk. The Rashtrapati Bhavan compound is spread across 330 acres. And this sprawling garden covers nearly half of the compound. President Murmu covers almost 2 kilometers of this green splendor every day. President Murmu then gets ready for the day, crossing the stage corridor into her study. This is where she carries out her duties. From signing important documents to hosting dignitaries. Adjacent to her study is the North Court entry. Only 5 people, the Prime Minister, Vice President, Chief Justice of India, former Presidents of India, and the Speaker of the Lok Sabha have access to this entry. Rashtrapati Bhavan ka Aishwarya Ashoka Hall mein dikhta hai. Angrezo ke zamane ka ye ballroom tha.
फारसी कवि निजाम गंजवी की कविताएं और नज़में यहाँ सीलिंग पर उकेरी गई हैं। अशोका हॉल की भव्यता की तरह हमारी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व की भव्यता उनके व्यवहार में झलकती है। सुखोई की उड़ान हो या INS विक्रांत की सैर हो या फिर एक आम नागरिक की तरह कई किलोमीटर पैदल चलना हो, जब स्कूल में थी तभी उनको पार्षद के लिए ही कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आपको ये करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और उनका तो हमेशा मेंटेलिटी था कि लोगों के लिए काम करने का, और वो एक चीज़ हमेशा कहती हैं तो अपने लिए तो कोई भी कमा सकता है, अपना पेट पालने लायक तो कोई कमा सकता है, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको आई थिंक उसी को ही वो करना चाह रही थी, इसीलिए वो पार्षद बनना चाहें। वो ट्रैवलिंग को, जैसे कि भुवनेश्वर में, जैसे वो वंस MLA बन गई, सब लोग भुवनेश्वर में सेटल हुए, और माँ चाहती थी कि हम लोग भुवनेश्वर में रहें ताकि हम लोग का एजुकेशन सही से हो जाए, वहाँ की स्कूलिंग जो उस सिस्टम में हम लोग आ जाए ताकि हमारा पढ़ाई अच्छा हो जाए। लेकिन उनको गांव वापस जाना था क्योंकि वो उन्हीं लोगों से चुनी हुई हैं, तो वो क्या करती थी, दिन में ट्रैवल करती थी, लेकिन दिन में ट्रैवल करना समय बर्बाद होने जैसा हो जाता था क्योंकि दिन में अगर उनको कुछ काम होगा तो वो कैसे कर पाएंगी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, मैं रात को ट्रैवल करूँगी और बस से ट्रैवल करूँगी, इससे क्या हो जाएगा, जो ड्राइवर होगा वो हैरेश नहीं होगा, उसको एग्जॉशन नहीं होगा, और प्लस उनका जर्नी भी आसानी से हो जाएगा। बीच में उनका तबीयत भी ख़राब हुआ क्योंकि खाने पीने का समय उनको नहीं मिलता था, और हम लोग कहते थे हमारा घर का दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लोग आते नॉक नहीं करते, सीधे अंदर आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, नमस्कार। ये जगन्नाथ जी का महान भक्त है मां ने, 2 किलोमीटर पहले ये पैदल में गए मंदिर को जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, दो तरफ बहुत सारे लोगों थे, माम तो लोगों के साथ थे और हैं, ये लोगों के पास गया है, उनके साथ इंटरेक्ट किया। सिर्फ ये नहीं, हर बार ये जहाँ सब टूर करते हैं, जहाँ बच्चे लोग खड़े होते हैं, महिलाएं खड़े होते हैं, ये यहाँ जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको विश करते हैं, और ये जो छात्रा लोग हैं और जो चिल्ड्रन है ये खूब खुशी होते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी टू सी द प्रेसिडेंट इंटरेक्टिंग विथ देम। राष्ट्रपति भवन में ये दरबार हॉल है, इसके गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। ये वो जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति तमाम राष्ट्रीय सम्मान देती हैं। हमारे पीछे गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा 5वीं सदी की है, मथुरा में ये उत्खनन के दौरान मिली थी, और इसकी यह मौजूदगी हमारे देश को अहिंसा का अहम संदेश देती है। साथ ही ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये इस राष्ट्रपति भवन में आने का मुख्य प्रवेश द्वार है। जब भी कोई समारोह, कोई कार्यक्रम होता है तो यहीं से रेड कार्पेट्स लगाए जाते हैं, डिग्निटरीज, मान्य व्यक्ति यहीं से एंट्री करते हैं। इवन विदेश के राष्ट्र प्रमुख को हमारी माननीय राष्ट्र प्रमुख यहीं से रिसीव करके लेके आते हैं उनके गार्ड ऑफ ऑनर के बाद। साथ ही फोर कोर्ट में जो इस राष्ट्रपति भवन का अग्रभाग है, वहाँ से 31 सीढ़ियाँ इस दरबार हॉल के लिए ही लीड करती हैं। जी हाँ, ये 31 कदमों का फासला है जो कि एक आम हिंदुस्तानी को खास हिंदुस्तानी में तब्दील कर देता है। यहाँ 31 कदमों का सफ़र तय करने के बाद वो फिर आम भारतीय न रहकर भारत का रत्न बन जाता है और उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। Empowerment of tribals is a dream
close to President Murmu's heart. It is under her presidency that for the first time, 75 tribes from across 18 states were not just welcomed, but also honored at Rashtrapati Bhavan. Vulnerable tribal groups such as these became part of a program called Conversations with Custodians of Tribal Culture. Many of those are the first to move out of their village. For others, a train or plane ride was a first. About 28 to 30% of the global tribal population resides in India. There are over 700 tribal groups in India, all of whom hold a special place in the president's heart. She wants to erase the language barrier with regional nodal officers learning tribal dialects and languages in order to better understand and resolve their problems. Ma'am, Johar. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरा इंडिया से जितने आदिवासी नहीं है ये लोग प्रिमिटिव ट्राइबल्स जी, इसीलिए ये पहली बार इतने लोगों को एक साथ, ऐसे तो मैं जब जाती हूँ उसके भिन्न भिन्न राज्य घूमने के लिए मैं उनसे मिलती हूँ, लेकिन मैं उनको एक साथ इसीलिए लाने के लिए ट्राइबल मिनिस्टर ने प्रयास किए, क्योंकि वो अपने आप को देखे कि वो दूसरों से कितने दूर है या कितने पास है, वो थोड़ा खुल फील करे और प्रयास करे कि वो भी आगे बढ़े। हम जैसे लगता है कोई एक एनर्जी हमको धुआं दे रहा है और प्रेरणा के उच्च मिल रहा है। तो इस समय हम प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी में हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति आते हैं, बैठते हैं और कुछ समय बिताते हैं, इतिहास के इन बहुमूल्य पन्नों को देखते हैं, समेटते हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने इस किताब के लिए खास सुझाव दिया है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये बिल्कुल बहुमूल्य तस्वीरें हैं इसमें, जब ये राष्ट्रपति भवन किस तरह से ये भव्य इमारत बनी, इसकी नींव कैसे रखी गई, ये एक पहाड़ी इलाका रायसेना हिल्स इसको जिस था यहाँ पर, तो तमाम तस्वीरें हैं और इनको अब सहेजने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने एक और चीज़ को बहुत बखूबी सहेजा है, वो है संताली भाषा को। संथाली उनकी मातृभाषा है और उनकी कोशिशों से इसे संविधान के 8वें शेड्यूल में इसको शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का स्क्रिप्ट नहीं था और पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका स्क्रिप्ट भी तैयार किया है। Be it safeguarding tribal rights or protecting their dialects, simplicity and unshakable determination are hallmarks of President Murmu's approach. As the governor of Jharkhand during the tenure of the Raghubar Das-led BJP government, she refused to ratify amendments to the Chota Nagpur Tenancy Act and the Santhal Pargana Tenancy Act. Before taking this decision, Draupadi Murmu meticulously studied 192 appeals and sought the counsel of experts. वो जब राज्यपाल थे झारखंड में, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किए थे और ये सुधार लाए थे हायर एजुकेशन में, जैसे ठीक समय पर एग्जामिनेशन करना और स्कूल एजुकेशन को भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस देते थे मैम।
यहाँ जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये सबको माम बार बार जाते थे कि इसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ये सब इंश्योर करते थे माम। उनके जितने भी पूरे जर्नी है, उस जर्नी को अगर हम देखते हैं तो ये बात सामने आता है कि वो हमेशा एक मातृत्व के भाव से और सहोदर के रूप में और पूरे सोसाइटी को नेशन बिल्डिंग के साथ कैसे जुड़े, उनके प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे अच्छे ढंग से ला सके और उनके खुशियों में ही देश की खुशियां छुपी हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी वो जाते हैं कोशिश करते हैं कि वैसे वेनरेबल लोगों से मिले, वैसे प्रिमिटिव लोगों से मिले जो शायद पीछे रह गए हैं, उन्हें प्रेरणा मिले, आगे आने का मौका मिले और उनके लिए सरकारें काम करें। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रॉम सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ इम्प्रिजन्ड अंडर ट्रायल्स और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चीफ जस्टिस डायरेक्टिव्स, प्रेसिडेंट मुर्मू इज द वॉइस फॉर द डाउनट्रॉडन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे, वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कुछ ही सालों के अंतराल में अपने दोनों बेटों और पति को खो दिया था। इतना गहरा आघात हुआ कि इससे उबरने के लिए अध्यात्म ही सहारा रहा और इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने उड़ीसा के पहाड़पुर में ट्राइबल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जहां पर SC/ST छात्र छठी से दसवीं तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब मेरे बड़े भाई गुजर गए, वो आई थिंक सबसे बड़ा जो हमारे फैमिली पे प्रभाव डाला, क्योंकि हमेशा लोगों, हमारे जितने क्लोज रिलेटिव में भी हम किसी को जाते हुए नहीं देखा है, तो और वो बहुत ही कम उम्र के थे, मुश्किल से 25 साल के होंगे, तो वो हम पे ज़्यादा असर दिखाया। फिर मुझे लगता है वो उन पे सबसे ज़्यादा असर दिखाया क्योंकि मैं तो छोटी ही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मेरे भाई का, दूसरे भाई का, मेरे पिताजी का, माँ का साया था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि वो उनका बड़ा बेटा, हम लोग बोलते भी थे पहले कि माँ जो है भाई को ज़्यादा लाड़ करती है, तो वो चीज़ तो उनको ज़्यादा असर पड़ा। जब मेरे बड़े भाई गुजर गए तो वो बहुत ही मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रही और वो अपने आप को काम डाउन करने की बहुत कोशिश की। वो हमेशा मुझे और मेरे भाई दूसरे भाई को देखती रहती थी और बोलती थी कि नहीं मेरे दो बच्चे हैं, आई हैव टू लुक आफ्टर देम, लेकिन वो अपने आप को शांत नहीं कर पाती, उनको मन को शांत नहीं कर पाती थी। स्कूल जो है वो हमारे जो पुश्तैनी घर था उसी पे बना था, तो हम लोग का एक सोच था कि हमारे बाद हमारे भाइयों का और हमारे पापा का नाम खो ना जाए, तो एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके निकलेंगे एटलीस्ट वो उनके ज़ुबान पे मेरे फादर और मेरे दोनों भाइयों का नाम रह जाए। वही था कि हमारे साथ उनके नाम ना मिट जाए इस दुनिया से। बदलाव प्रेसिडेंट होने के बाद ऐसा कुछ बदलाव मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि
माम के अंदर में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हुआ है। माम जो कुछ कहते हैं ये दिल से कहते हैं, ये मुंह से नहीं कहते हैं, दिल से कहते हैं। जो बात दिल से कहा जाता ये बहुत प्रभावशाली होता है। माम जो सब कहते हैं, भाषण देते हैं, दिल से कहते हैं, इसके लिए उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है लोगों पर। हम भी देखते हैं लोग कैसे माम के भाषण सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। Simplicity and spirituality reflect not just in her interactions with people, but also in her habits and day-to-day life. President Murmu eats simple sattvic food cooked without onions and garlic. NDTV brings you exclusive pictures of President Murmu's family kitchen at Rashtrapati Bhavan. Maamain ki jo hai sattvic bhojan chahiye inko, jo matlab veg khana bilkul no ऑनियन और गार्लिक और नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, इसलिए काम करने में भी अच्छा लगता है। सात्विक खाना बनाते हैं हम लोग। मैडम का खाना बिल्कुल सिंपल खाना है, कोई इनकी अलग से रेसिपी नहीं है कि मेरे लिए ऐसा बनाओ। इनका सिर्फ ये है कि मेरे को सात्विक भोजन होना चाहिए। हम लोग सुबह बिल्कुल प्योर एकदम होके आते हैं जैसे भी तो, लेकिन प्योर खाना। नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में हल्का ही खाना खाती है, जैसे ओट्स है, पूरी आलू की सब्जी खा लेती हैं, और अपना इनका अपना फेवरेट आइटम है चावल का चिल्ला विल्ला बना के देते हैं हम लोग कई बार। इनको दो तीन आइटम इनके हम उड़ीसा के बना के देते हैं जो इनके पसंद हैं। कुछ जैसे मैडम कभी बार अपनी तरफ से हमें कुछ बनाने को बोल देती है, हम वो भी बना के देते हैं। क्या फरमाइश है? इनकी ज़्यादातर जैसे दालमा संतूला ये काफ़ी पसंद करती हैं मैडम, तो हम वो भी बना के देते रहते हैं इनको। और लेकिन हम पूरी वेजिटेबल्स पर ही सारा करते हैं सब। President Murmu's tribal roots are not only reflected in her simple food habits, but also in her repeated assertions that tribal voices must be heard. मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। She emphasizes the importance of educating girls and women, especially in backward areas that don't have access to teachers or educational facilities. President Murmu is dedicated to building a new India that marches forward, taking everyone along. मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी।